हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नॉलेज 24/7। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट सेवन डिफरेंट ट्रिक्स टू यूज बिलकु फंक्शन ऑफ एमएस एक्सेल। एमएस एक्सेल के बिलकु फंक्शन का सात तरह से हम यूज़ करना आज सीखेंगे, जो कि बहुत ही यूजफुल रहता है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आगे नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। पहले आता है फर्स्ट ऑफ ऑल नॉर्मल बिलुकअप। बिलुकअप फंक्शन लगाते कैसे हैं? इक्वल टू, अब दोस्तों ये मेरे पास कुछ डाटा है, मैं पहले आपसे डिस्कस कर लेता हूँ। हमने इस डाटा में लुक आफ्टर करना है एम्प्लॉय कोड को, कि जिससे उसका यहाँ पे नाम आ जाए, डिपार्टमेंट आ जाए, डेट ऑफ ज्वाइनिंग आ जाए। तो कैसे स्टार्ट करते हैं, यहाँ पर टाइप करेंगे बिलुकअप, सॉरी लुकअप। क्या फाइंड आउट करना है, किस चीज को लुक आफ्टर करेगा? एम्प्लॉय कोड को, कॉमा कहाँ के कहाँ पे? टेबल एरे। टेबल एरे मींस यहां पे, दिस इज द टेबल, कॉमा कॉलम इंडेक्स नंबर। कॉलम इंडेक्स नंबर दोस्तों मैंने आप ऊपर टॉप पे ये दे रखे हैं 1 to 7, ये कॉलम के नंबर हैं, इनसे ही फाइंड आउट करेंगे। यहाँ नंबर देने की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन मैंने अपने आपकी सहूलियत के लिए दे रखे हैं। तो ये सेकंड कॉलम में है एम्प्लॉय नेम, तो यहाँ पे सेकंड टू टाइप करेंगे, देन कॉमा 0, एग्जैक्ट मैच के लिए, देन प्रेस एंटर। तो ये देखो यहाँ पे नाम आ गया। अगर मैं यहाँ पे कोड चेंज करता हूँ, जैसे सपोज करो मैं 12 कर देता हूँ, A012, ये 12 है काजल देवी, ठीक है। तो ये तो नॉर्मल बिलुकअप फंक्शन था। आगे चलते हैं बिलुकअप फ्रॉम अनदर सीट। दूसरी सीट से बिलुकअप फंक्शन को कैसे आप टाइप करोगे, तो उसके लिए टाइप करेंगे बिलुकअप, लुकअप ब्रैकेट स्टार्ट, लुकअप वैल्यू, लुकअप वैल्यू दिस, कॉमा सीट, सीट पे क्लिक करेंगे, टेबल एरे जहाँ पे आपकी सीट है उसके ऊपर जाके उस टेबल को सिलेक्ट कर लेंगे। देन अब यहाँ पे टाइप करना पड़ेगा कॉमा 2, 0, सेम एम्प्लॉय नेम को फाइंड आउट करना है, देन प्रेस एंटर। तो यहाँ पे ये नाम आ गया। अगर आप यहाँ पे कुछ भी चेंज करते हैं तो वो नाम, कोड अगर चेंज करते हैं तो नाम भी चेंज हो जाएगा। तो इसके लिए आपने देखा फॉर्मूला क्या लगा, बी लुकअप D5, जिस वैल्यू को लुक आफ्टर करना है, लुकअप वैल्यू एरे सीट 1 एक्सक्लेमेशन साइन, टेबल रेंज, देन कॉलम इंडेक्स नंबर, देन एग्जैक्ट मैच के लिए 0। तो ये तो था बी लुकअप फ्रॉम अनदर सीट। अब आता है बिलुक फ्रॉम अनदर वर्क बुक, तो उसके लिए हम टाइप करेंगे इक्वल टू बिलुकअप ब्रैकेट स्टार्ट। अब आपके रेफरेंस के लिए मैंने एक सीट बना रखी है, तो उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल लुकअप वैल्यू दिस कॉमा डाटा सीट, डाटा सीट पे सेम सीट है कॉमा 2, 0। अब यहाँ पे ABCD क्यों आ रहा है, A3 के आगे ABCD टाइप किया है। अब यहाँ पे मैं 4 कर देता हूँ तो यहाँ पे नाम आएगा। अब 4 के आगे आपके इसके लिए मैं रेफरेंस के लिए देखिए A4 है, यहाँ पे मैं और नाम सेव कर देता हूँ, सेव कर दिया, एंड सीट पे जाएंगे तो यहाँ पे नाम चेंज हो गया। तो ये था बिलुकअप फ्रॉम अनदर वर्कबुक। देखिए इसके लिए सिंटैक्स क्या लगा, बिलुकअप लुकअप वैल्यू एम्प्लॉय कोड टेबल एरे, टेबल एरे में डाटा फाइल का नाम आया, देन सीट 1, देन टेबल रेंज, देन कॉलम इंडेक्स, इंडेक्स नंबर, देन
एग्जैक्ट मैच के लिए जीरो, देन प्रेस एंटर। नेक्स्ट आता है हमारा कॉपी बिलोको फंक्शन। बिलोको फंक्शन को कॉपी कैसे करते हैं? सिंपली यहाँ पे हम बिलोको फंक्शन लगाया हुआ है मैंने, इसको हम ऐसे, ये तो चलो ये बना हुआ है लेकिन यहाँ पे फिर भी देखिए डिफरेंट डिफरेंट आ रहा है। तो पहले यहाँ पे बिलोको फंक्शन लगाया हमने, फंक्शन लगाया हम सिंपल फंक्शन लगाते हैं, ये थोड़ा एडवांस हो गया। बिलोको लुकअप वैल्यू दिस कॉमा टेबल रेंज कॉमा टू कॉमा जीरो, देन आ गया। यहाँ पे आप इसको भी चेंज कर सकते हैं, 5 कर देते हैं, देन इसको आप सिंपली कॉपी करेंगे तो ये कॉपी नहीं होगा। तो इसके लिए कॉपी करने के लिए क्या करना पड़ेगा? अब आप यहाँ पहले देखिए कि इसमें चेंज क्या हुआ। इसमें एक तो लुकअप वैल्यू चेंज होगी, देन इसका टेबल एरे चेंज हो गया। इसके लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पे लुकअप वैल्यू को भी फिक्स करना होगा। फिक्स करेंगे F4 से। F4 कई बार क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ कि किसी के पास, जैसे हम डेस्कटॉप कीबोर्ड से यूज़ करते हैं तो वहाँ पे सिंपली F4 की प्रेस कर सकते हैं, लेकिन जब हम डेस्क लैपटॉप यूज़ करते हैं तो लैपटॉप में F4 की के दो फंक्शन होते हैं, डबल फंक्शन होते हैं। उस केस में आपके कीबोर्ड, लैपटॉप के कीबोर्ड के ऊपर विंडो की के साथ FN की होती है, FN की के साथ F4 प्रेस करेंगे तो ये डॉलर के साइन बनेंगे। देन हम टेबल रेंज को भी फिक्स कर देंगे, देन प्रेस एंटर। अब यहाँ पे एक और चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि लेफ़्ट टू राइट जब आप लेफ़्ट टू राइट जब कॉपी करेंगे तो आपको एक चीज़ चेंज करनी पड़ेगी, कॉलम इंडेक्स नंबर। इसका भी आगे मैं आपको सोल्यूशन बताऊंगा। 3 देन डिपार्टमेंट 3 पर्सनल आ गया, देन पैन नंबर है हमारा कॉलम नंबर 4 में, तो यहाँ पे 4 करेंगे तो देखिए ये इस तरह से कॉपी होएगा। अब इस, ये तो था लेफ्ट टू राइट, अब ऊपर से नीचे को कॉपी कैसे करते हैं, टॉप टू डाउन। तो अब मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल रखा है आपके लिए, बी लुकअप। क्या लुकअप करना है? एम्प्लॉय कोड दिस, टेबल आ रहे दिस, एंड मैं इसको टाइप करता हूँ इक्वल टू बी लुकअप दिस कॉमा टेबल रेंज टेबल आ रहे कॉमा 2.0 एंटर। अब हमें चाहिए डेट ऑफ ज्वाइनिंग, तो डेट ऑफ ज्वाइनिंग का हमारा है 5 नंबर कॉलम, तो यहाँ पे 5 कर देंगे तो डेट ऑफ ज्वाइनिंग आ गई। अब इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, तो यहाँ कॉपी कर देता हूँ इसको। तो दोस्तों देखो ये नहीं है वहाँ कॉपी, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए अब यहाँ देखिए चेंज क्या हो रहा है। यहाँ हमारा दिस वन है और A4 टू G34 है, तो जो लुकअप वैल्यू है वो तो चेंज होएगी नीचे को जब हम करेंगे, होनी चाहिए, लेकिन टेबल एरे नहीं चेंज होना चाहिए। अब ये A5 टू G35 हो गया, यहाँ पे A4 टू G34 था, तो ये इसको सेव करने के लिए हम इसको F4 प्रेस करके लॉक कर देंगे सिर्फ टेबल एरे को, देन इसको कॉपी करेंगे। देखिए A2 के आगे डेट ऑफ जन्म ये आ गई। अब यहाँ पे आपको चेक कराता हूँ, A30 टाइप करते हैं, 10/2/2015, देखिए A30 की 10/2/2015 है। तो ये था हाउ टू कॉपी बिलोकअप फंक्शन। देन नेक्स्ट आता है मल्टीपल वैल्यू एट वंस इन बी लुकअप। एक साथ पीछे हमने सीट पे देखा था कि कॉपी किया हमने
तो इस तरह से हर जगह हमें इसका जो है कॉलम इंडेक्स नंबर चेंज करना पड़ा, तो वो नहीं करना है। तो मल्टीपल वैल्यू कैसे करेंगे, तो उसके लिए फंक्शन हम यूज़ करेंगे इक्वल टू बी लुकअप। पहले मैं ये सारा डिलीट कर देता हूँ। इक्वल टू बी लुकअप, लुकअप वैल्यू दिस कॉमा टेबल एरे दिस, कॉमा। अब यहाँ पे एक्सेल का कॉलम सी ओ एल यू एम एन, ओ सॉरी सी ओ सी सी ओ एल यू एम एन कॉलम रेफरेंस अब रेफरेंस में हम देंगे इसको डिपार्टमेंट। देखिए हमने आगे बी फोर टू ये दे देंगे यहाँ से, ये दे दिया, देन ब्रैकेट क्लोज। अब रेफरेंस दे दिया हमने इसको जीरो, ब्रैकेट क्लोज, नाम आ गया, सब कुछ हो गया। अब इसको कॉपी करेंगे तो कर नहीं हुआ, तो क्या गलती हुई, हमने टेबल एरे को फिक्स नहीं किया है, तो इसको फिक्स कर देंगे। और साथ में आप लुकअप वैल्यू को भी फिक्स करेंगे। देखिए कॉपी हो गया, यहाँ पे अब हम कॉलम इंडेक्स नंबर चेंज नहीं करना पड़ रहा है, वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता है कॉलम फंक्शन के साथ। देन नेक्स्ट आता है हाउ टू यूज मिनिमम फंक्शन विद बी लुकअप, मिनिमम फंक्शन। फ्रेंड्स हम चाहते हैं कि ये हमारे पास डाटा है, इसमें सैलरी है एम्प्लॉयज़ की, मिनिमम सैलरी हम किसी एम्प्लॉय को क्या दे रहे हैं, तो उसको फाइंड आउट करना है। इक्वल टू बी लुकअप देन यहाँ टाइप करेंगे मिन मिनिमम फंक्शन ब्रैकेट स्टार्ट देन टेबल कॉलम रेंज दे देंगे, कॉलम रेंज देने के बाद ब्रैकेट क्लोज कॉमा सेम यहाँ पे भी टेबल एरे एंड कॉलम रेंज इंडेक्स नंबर सेम रहेगा, कॉलम इंडेक्स नंबर देन ब्रैकेट क्लोज कॉमा। अब यहाँ पे कोई और सेल नहीं है इस टेबल में, सिर्फ एक ही सेल है, यहाँ सेवन नहीं देंगे, यहाँ पे वन देंगे कॉमा जीरो ब्रैकेट क्लोज देन प्रेस एंटर। क्या बोल रहा है, G5 टू G35 ओ सॉरी यहाँ पे ब्रैकेट नहीं लगेगी, ये आ गया। अब मिनिमम सैलरी 200 है, अब मैं यहाँ टाइप कर देता हूँ 1, तो ये मिनिमम सैलरी 1 उठाएगा। ओके दोस्तों, देन आता है मैक्स, सेम फंक्शन जैसे मिनिमम यूज किया था बी लुकअप मैक्स 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 देन ब्रैकेट स्टार्ट टेबल एरे सैलरी ब्रैकेट क्लोज कॉमा सेम इंडेक्स कॉलम इंडेक्स नंबर कॉमा वन कॉमा जीरो मैक्सिमम सैलरी 100,000 है, यहाँ मैं 500,000 टाइप करता हूँ तो आपको देखिए ये हो गया। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।
अगर कोई सुजेशन हो, कोई गलती हुई हो तो भी ज़रूर बताएं, ताकि आगे इसमें सुधार किया जा सके। बाकी आपको कुछ इससे पूछना हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए गुड डे।